तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग? होप कर लो बढ़ेंगे। जो है ये वीडियो में बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के कोलैबोरेशन के बारे में। जैसे आप जो है टाइटल और थंबनेल लेकर इस वीडियो पे क्लिक किए हो, तो वैसे यहाँ पे जो अपना फ्री फायर का सेकंड बिगेस्ट यहाँ पे कोलैबोरेशन होने वाला है, जो कि होने वाला है अटैक ऑन टाइटन के साथ। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कौन सी गन स्किन देखने को मिलने वाली है, कौन से इमोट, कौन से बंडल, ए टू जेड जितनी भी चीज़ें जो है ये इवेंट में आपको देखने को मिलने वाली है, उन सभी का मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको जो आज रात को जो नया टॉपअप इवेंट आएगा उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ओपी होने वाली, तो प्लीज़ वीडियो जो एंटर जरूर देख लेना। साथ में यार प्लीज वीडियो को जो शेयर कर देना, बिकॉज चैनल के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट होने वाले। तो वे जर बिना के जरिए चले वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आज रात के जो अपने न्यू टॉपअप की। तो आज रात आपको क्या चीज़ टॉपअप में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे जो अपना अगला टॉपअप होने वाला है वो होने वाला है नेदरवर्ल्ड ट्रूप की इंक्यूबेटर की थीम के ऊपर। यानी यहाँ पे आपको जो मैंने कल आपको एक परांका स्किन दिखाया था, लावा परांका स्किन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको जो एटलीस्ट 200 डायमंड या फिर 100 डायमंड के ऊपर अवेलेबल होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक नेदरवर्ल्ड ट्रूप की यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की ग्लोअल भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि 500 डायमंड के टॉपअप पर अवेलेबल होगी। और 1000 डायमंड के टॉपअप पर यहाँ पे आपको जो ब्लू प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो भी कंफर्म टूर्नामेंट अपडेट होगा वो जो है मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैंने जो है इंस्टाग्राम का पेज फाइनली मेरा ओपन कर लिया, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब से आपको जो भी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बंदे इंटरेस्टेड है फॉलो करने के लिए वो फॉलो कर सकते हो, किसी को भी ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको जो इस टाइप से टॉप इवेंट आज को देखने को मिल सकता है। तो अपन अभी बात करेंगे अपने कोलैबोरेशन के बारे में। सो गाइस, हम यहाँ पे अब जो कोलैबोरेशन की सारी आइटम्स को रिव्यू करना शुरू करने वाले। तो गाइस आप लोग जो है यार मतलब वीडियो को जो है थोड़ा ध्यान से देख लेना और पूरा एंड तक देखना, बिकॉज आज जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के यहाँ पे ऑफिशियल पोस्टर के बारे में, जो कि यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अटैक ऑन टाइटन जो यहाँ पे मतलब क्लियरली लिखा हुआ है फ्री फायर एक्स अटैक ऑन टाइटन। तो गाइस यहाँ पे जो सेकंड बिगेस्ट कोलैबोरेशन जो यहाँ पे फ्री फायर यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के साथ कर रहा है, ओके। तो गाइस यहाँ पे आप में से बहुत सारे बंदों को पता होगा अटैक ऑन टाइटन क्या है, मेरे को तो पता नहीं आपको क्या लगता है ये क्या चीज है, कमेंट में जरूर बता दो, ठीक है। तो गाइस अपन अभी बात करेंगे बंडल्स और बाकी सब चीजों के बारे में। सो गाइस हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे लॉगिन स्क्रीन के साथ कि यहाँ पे जो अटैक ऑन टाइटन की थीम के ऊपर यहाँ पे आपको किस टाइप से लॉगिन स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप से आपने को जो है नया लॉगिन स्क्रीन जो है अटैक ऑन टाइटन के इवेंट के टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है मतलब लॉगिन स्क्रीन कतई ओपी है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस हम यहाँ पे भी बात करेंगे यहाँ पे लॉबी ट्री के बारे में। तो गाइस आप सभी को पता होगा यहाँ पे एक लॉबी के अंदर आपको ट्री मिलता है, जैसे कि आप लोग गोल्ड और डायमंड कुछ भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हो। तो कुछ जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे उसका प्रीव्यू देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप से यहाँ पे लावा का जो यहाँ पे मतलब एक डेविल टाइप का लुक में यहाँ पे अपने कुछ लॉबी ट्री देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से अपना लॉबी ट्री रहेगा। सो गाइस हम यहाँ पे भी बात करेंगे अपने न्यू मोड के बारे में, जो कि आपको अटैक ऑन टाइटन की थीम के ऊपर एंड इस पीरियड में आपको गेम के अंदर अवेलेबल होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इमेज लीक हुई है जिसमें कि आपने वो जो है अटैक ऑन टाइटन की थीम के ऊपर यहाँ पे एक नया मोड देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको आप लोग जो कुछ अलग टाइप से यहाँ पे गेम खेल सकते हो, यानी कुछ अलग टाइप का मतलब पूरा इंटरफेस रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने TDM स्लैश कोड वगैरह सब चीज़ होता है ना, वैसे कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन की थीम के ऊपर यहाँ पे आपको एक नया स्पेशल मोड देखने को मिलने वाला है। तो गाइस फाइनली हम बात करेंगे बंडल्स के बारे में, तो इसमें आपको जो इस कोलैबोरेशन में आपको कौन से बंडल देखने को मिलने वाले, उसके बाद मैं आपको गन स्किन का रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो यहाँ पे सबसे पहले दो बंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं ब्लर करूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ये बंडल थोड़े मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं इनको ब्लर कर रहा हूँ, इसलिए कि यूट्यूब जो है इन सबको चीज़ों को हाइड कर देता है और यहाँ पे जो है मेरा वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ करेगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को इनका अगर रिव्यू देखना है तो गाइस आप लोग जो इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर जो इन दोनों वीडियो क्लिप्स को नॉर्मली अपलोड करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे देख लो, एक नंगा वाला यहाँ पे अपने को बंडल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको ब्लर किया हूँ, ठीक है, जिसके मैंने आपको रीजन बताया। तो गाइस ये बंडल जो है यहाँ पे आपको जो है मतलब अटैक ऑन टाइटन के यहाँ पे जो मेन बंदे है, ठीक है, जो मेन बंदे उनकी थीम पर यहाँ पे इसको डिजाइन किया हुआ है, कुछ इस टाइप से अपने को जो यहाँ पे नंगा वाला बंडल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस इसके जैसा एक और यहाँ पे सेम बंडल अपने को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन के उसका प्रयोग देख पा रहे हो, तो गाइस ये बंडल की खासियत ये है कि ये जो थोड़ा मोटा मोटा सा दिखते हैं, साथ में कि इसके नाक के अंदर से जो है कुछ धुआं टाइप सा कुछ ऐसा गंदा सा चीज़ निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मस्कुलर टाइप सा, ये जो पहला वाला बंडल था वो मेरे को अच्छा लगा, सेकंड वाला नहीं लगा। आपको इन दोनों में से कौन सा बंडल अच्छा लगा कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। सो गाइस अपन अभी बात करेंगे यहाँ पे लास्ट टू बंडल्स की, जो कि मेल और फीमेल का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थीम बेस्ड बंडल होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे एक मेल के बंडल का प्रीव्यू देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ इस टाइप से मेल का बंडल आपको देखने को मिलने वाला है, इसका हेयर स्टाइल और बाकी सब चीज़ अच्छा है, आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। साथ में यहाँ पे आप लोग जो फीमेल का भी देख लो, उसके बाद हम आगे की चीज़ों की बात करेंगे।
सो गाइस अपन यहाँ पे बात करेंगे गन स्किन्स के बारे में, जो कि आपको अटैक ऑन टाइटन की थीम के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक P90 का गन स्किन आता है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल होने वाला है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टाइप से यहाँ पे आपको अटैक ऑन टाइटन P90 का स्किन देखने को मिलने वाला है। सो अगर इसके एट्रीब्यूट की बात करें, तो गाइस यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट लीक नहीं हुए, तो गाइस आने वाले 2 दिन के अंदर जो है मैं इसके एट्रीब्यूट आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा यहाँ पे एक और जो लीजेंडरी गन स्किन आती है, जो कि होने वाले M1014 का। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो है बैकग्राउंड में उसका प्रीव्यू देख पा रहे हो, कुछ एकदम ओपी से और कतई जहर लुक में जो आपको नई M1014 का स्किन देखने को मिलने वाला है। ओके, तो गाइस अगर हम बात करें इसके एट्रीब्यूट की, तो गाइस इसमें आपको क्या एट्रीब्यूट दिया जाने वाला है, तो इसमें आपको डबल डैमेज प्लस सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन और रिलोड स्पीड माइनस मिलती है, जो कि एकदम ओपी एट्रीब्यूट मेरे को लगा हुआ है। और अगर स्किन वेपन रॉयल में आती है, तो गाइस हर एक बंदे को स्किन लेनी चाहिए, वो M10 यूज करता हो या ना करता हो, बिकॉज ये आगे चल के बहुत जो ओपी और लीजेंडरी गन स्किन होने वाली है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ रहे अटैक ऑन टाइटन की कोलैबोरेशन आइटम। साथ में एक चीज और, कि कुछ बंदे मेरे को पूछ रहे थे कोबरा पार्टी वाले इवेंट के ग्लिच के बारे में, तो गाइस वो मतलब वो ग्लिच नहीं है, वो एक टाइप का यानी उसको इंटरफेस ही चेंज कर दिया हुआ है। अगर आपका लक रहा तो गाइस आपको ग्लू वॉल मिल जाएगा, अगर नहीं रहा तो पूरे 2500 डायमंड में आपको जो सारा आइटम निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइस होप आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।